आप सब आदमी को दशमलव प्रणाली इसके पहले हमने बताया था और इसके एक्सरसाइज तो आप निश्चित रूप से अपने से आप खुद अभ्यास कर रहे होंगे। और इसी कड़ी में हम आपको आगे बढ़ाते हैं और पहले आपको करनी हमने बताया था, लेकिन कल्पना कीजिए कि संख्याओं की संक्रिया पर आधारित प्रश्नों को पहले सॉल्व करना है। जैसे किसी संख्या को अगर गुणा करते हैं तो उसका इकाई स्थान का अंक कैसे निकालते हैं, यदि उस पर घात होता है तो उसका इकाई स्थान का अंक कैसे निकालते हैं। जैसे बच्चे क्लास में आप पढ़ते हैं जोड़ घटाओ गुणा भाग पढ़ते हैं दूसरा या तीसरे कक्षा में, जबकि आप अगर नाइन्थ क्लास में जाते हैं तो वहां भी जोड़ घटाव मिलता है। इसका मतलब कि संख्याओं की संक्रियाओं को पहले समझना होगा और इस संक्रियाओं में पहला संक्रिया है जोड़, दूसरा है घटाव, तीसरा है गुणा, चौथा है भाग, जो बोर्ड मास द्वारा एक्सप्लेन हो जाता है। बोर्ड मास का नियम इस सारे संक्रियाओं को एक्सप्लेन करता है, परंतु इसके गुणधर्म भी पढ़ना होता है, जो आपको जब क्लास चलेगा उस क्लास में हम आपको बताएंगे कि इसके गुणधर्म भी होते हैं जोड़ घटाओ गुणा भाग। जैसे गुणा किसे कहते हैं, भाग किसे कहते हैं, ये हम लोगों के लिए कौतूहल का विषय है और हमारे आधार स्तंभ कमजोर होने का मूल कारण यही है कि हम एक दूसरे संक्रियाओं के प्रॉपर्टी को एक दूसरे से संबद्ध नहीं कर पाते हैं। इसी कड़ी में आज हमने लघुत्तम और समापन तक आपको सुनकर हैरत होगा कि अगर आपसे हम पूछे कि चार और छह का लौसा क्या होगा तो आप सोचेंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, इससे कोई बेनिफिट तो है नहीं। परंतु एलसीएम पढ़ते पढ़ते आप बहुत हायर सेकेंडरी क्लास तक चले जाते हैं, स्नातक कर जाते हैं, फिर भी हम लोग बहुत कम लोग, हालांकि जो स्नातक कर गया वो तो इतना जानता ही जानता है, परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं और बच्चा क्लास में तो विद्यार्थियों को ये चीज से हम अवगत ही नहीं कराते कि लघुत्तम असल में है क्या, ये वास्तव में क्या होता है, मैथ्स में संक्रियाओं के तहत इसको पढ़ने का क्या औचित्य है। इसी कड़ी में आज हमने आपको बताया है लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम और समापवर्तक अगर आपसे कहें तो आप समझेंगे कि सर सही बोल रहे हैं, परंतु ये शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिए, लघुत्तम समापवर्तक आप ही करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, तो जब दोनों समापवर्तक ही है तो फिर अंग्रेजी में एक को कहते हैं आप एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल और दूसरे को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फिर मल्टीपल और फैक्टर दोनों समापवर्तक समापवर्तक ही कैसे है। तो पहले ऐसे नाम सही से याद कीजिए कि लघुत्तम समापवर्तक नहीं है, लघुत्तम समापवर्त्य है, लघुत्तम समापवर्त्य है, महत्तम समापवर्तक है, तभी तो ये मल्टीपल है और ये फैक्टर है, एक मल्टीपल है और एक फैक्टर है। अंग्रेजी का डिफरेंस ये देखिए और हिंदी में देखिए ये डिफरेंस है, एक समापवर्त्य है और दूसरा समापवर्तक है। वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो, वह न्यूनतम संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं के न्यूनतम समापवर्त्य, दी गई संख्याओं के न्यूनतम समापवर्त्य को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। माइंड सेट कीजिए, वो प्रश्न जब एग्जाम में दे बैठते हैं आप तो वहां डिसीजन नहीं कर पाते कि लघुत्तम निकाले या महत्तम निकाले, तो देखिए आज से याद रखिए लघुत्तम का अर्थ होता है न्यूनतम, लघुत्तम का अर्थ होता है कम से कम, लघुत्तम का अर्थ होता है छोटी सी छोटी, यानी ये प्रायः जहां तीन शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसका प्रायः लघुत्तम निकाला जाता है, शाब्दिक अर्थ इसका यही होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे चार और छह का लौसक है बाबू, तो आप सबको चार और छह का लौसक निकालने आता ही आता है, तो इसका लौसक क्या होगा, बारह। यानी ये जो अभी परिभाषा हमने इसमें थोड़ा सा सुधार भी किया, तो यहां जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 12 जो होगा ना लघुत्तम वह है जो दी गई संख्या, कौन कौन संख्या है, चार है और छह है, तो चार से डिवाइड करेंगे तो चार तिहाई 12 शेष 0,
6 से भाग करेंगे तो शेष जीरो, यानी ये पूर्णतः विभाजित होगा, यानी लौसर जो आएगा वो लौसर दी गई जो संख्या होगी उससे पूर्णतः विभाज्य होगा, यानी उसी को लघुतम समापवर्तक कहते हैं। आइए समापवर्त्य का अर्थ समझाएं आपको हम, कि जैसे चार का समापवर्त्य कठिन लगेगा कि बहुत कठिन चीज बता रहे हैं, समापवर्त्य मतलब पहरा टेबल, चार चार दुनिया आठ, चार तीन बारह, चार चौका सोलह, ऐसे करके 36 तक डैश डैश डैश। उसी तरह 6 का समापवर्त्य लिख दिया उभयनिष्ठ, जो दोनों में मिलता है बाबू, जो दोनों में मिलता है, जैसे देखिए ये दोनों में मिलने वाले ये हो गए उभयनिष्ठ, इसी के लिए अंग्रेजी का वर्ड आया है कमन, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा 12 24 और 36। अब न्यूनतम उभयनिष्ठ होगा, इन तीनों में जो मिल रहे हैं उसमें सबसे छोटा कौन है, 12 है, और यही छोटा पद इसका लघुत्तम है। इसका मतलब कि न्यूनतम उभयनिष्ठ समापवर्त्य को कहेंगे लघुत्तम समापवर्तक, यानी समापवर्त्य का अर्थ अपवर्त्य जिसको अंग्रेजी में कहेंगे मल्टीपल, वही चीज ठीक उलट, वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, यहां विभाजित हो यहां विभाजित करे, यहां विभाजित हो यहां विभाजित करे, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखो वो यहां क्या था न्यूनतम, यहां क्या है अधिकतम, यहां क्या था समापवर्त, यहां क्या है समापवर्तक, यानी अंतर ये महत्तम। उसी तरह से इसका लघुत्तम का अर्थ है न्यूनतम, कम से कम, छोटी सी छोटी, ठीक उल्टा, अधिकतम, अधिक से अधिक, बड़ी सी बड़ी। उदाहरण के तौर पर जैसे 4 और 6 का अगर मौसा निकालेंगे तो मौसा निकालने के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, और इस 2 से अब 4 और 6 को भाग करेंगे तो यहां कट जाएगा, यानी इसमें लघुत्तम में वह आता है जिससे संख्याओं से भाग करने पर कटता है, और महत्तम में वह आता है जो आए हुए पद से संख्याओं में भाग देने पर कटता है, अंतर इतना ही। 4 का समापवर्तक अपवर्त, यानी 4 किससे किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। उभयनिष्ठ दोनों में कौन हो गया, 1 और 2, और 1 और 2 में जो बड़ा होगा, इसमें छोटा खोज रहे थे बड़ा खोजेंगे तो 2 है। इस तरह से मौसव निकाला जाता है। अब भिन्न का लौसव और भिन्न का मौसव, यानी अंश का लौसव बटा हर का मौसव और भिन्न का मौसव बराबर, बाबू भिन्न में देखिए लौसव अगर कहेगा ना तो अंश का लौसव कहा तो लौसव, हर का उसके उल्टा, अगर मौसव यहां कहा तो अंश का मौसव, हर का उसके उल्टा। उदाहरण के तौर पर हमने 2 क्वेश्चन लिखा है, जैसे 2/3, 4/5 और 3/7 का अगर लौसव कहता है तो क्या करेंगे, तो पहले अंश, अंश कौन है ऊपर वाला, तो 2, 3, 4 का क्या निकाल है लौसव, पहले निकालेंगे अंश का लौसव, क्या निकालेंगे अंश का लौसव, जब अंश का लौसव हो जाएगा तो अंश का लौसव 2, 4 तो 2 से काटिए, 1, 3 तो नहीं कटेगा, 2×3×2 यानी लौसव आपका आपके पास 3×6 = 12 के रूप में आ गया। अब क्या कहता है नीचे वाले हर, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो हर का मौसव निकालिए, हर का मौसव, मौसव जैसे 3 है बाबू, मौसव निकालने का वैकल्पिक विधि तुरंत फैक्टर कीजिए, अगर 2 से ज्यादा है तो फैक्टर विधि इस्तेमाल करिए, 3 से 3 1, 5 है 5 से कटेगा 1, 7 है 7 से कटेगा 1, जो तीनों में मिले तो यहां केवल 1 मिल रहा है, तो यानी मौसम कितना हो गया, 1 हो गया, तो अब आंसर क्या होगा कि अंश का लौसव, तो लौसव कितना 12 बटा हर का मौसम 1 यानी 12। उसी तरह से यहां एक दशमलव वाला उदाहरण भी हमने लिखा है आपको, जैसे 25 दशमलव को भिन्न में बदलने का तरीका हमने बताया, 7 दशमलव है तो पहले 25/100 उसके बाद 25/10 काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और ये काट देंगे तो 5/2। अब इसी का
लस और मस वही भिन्न द्वारा आप निकाल सकते हैं। यानी अगर दशमलव में भी लस पूछे आपसे तो आप समझ गए बाबू कि पहले दशमलव को भिन्न में बदल लीजिए और उसके बाद भिन्न का लस और मस ज्ञात करना है। साथ ही साथ आपके दिमाग में डाल दें हम कि अगर आपसे पूछ दे कोई कि रूट तीन का और रूट सात का लस क्या होगा, तो थोड़ा आप निश्चित रूप से संकोच में आ जाइएगा कि आखिर इसका कैसे करेंगे। तो इसी कड़ी में पहले विभिन्न पदों का लस मस बताएंगे, उसके बाद परीक्षा उपयोगी सभी प्रश्नों का कलेक्शन आपको देंगे।